जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आज SDM साहब व अन्य अधिकारी व डॉक्टर की वैक्सीन लगाने वालों टीम सभी श्री कृष्ण गौशाला लोहा में पधरे व गौ माताओं के वैक्सीन लगाई। वैक्सीन की शुरुआत शुभारम्भ में चूरू जिले में आज सबसे पहले श्री कृष्ण गौशाला लोहा से शुरुआत की है, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण किया कि श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताएँ स्वस्थ है, वह कोई गौ माता बीमार नहीं है। तो इससे वैक्सीन का शुभारम्भ है यहाँ श्री कृष्ण गौशाला लोहा से किया गया, जिसमें सभी अधिकारी SDM साहब व अन्य गणमान्य व्यक्ति पधारे। डॉक्टर साहब व डॉक्टर साहब साथ में वैक्सीन लगाने वाली टीम भी पधारी गौ माताओं की सेवा में श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताओं के वैक्सीन लगाने के लिए SDM साहब व सभी अधिकारी डॉक्टर सभी पधार चुके हैं। गौ माताओं की सेवा में वैक्सीन का शुभारंभ, गौ माताओं के जांच भी की जा रही है, वैक्सीन भी लगाया जा रहा है। जय गौ माता। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में आज गौ माता के वैक्सीन भी लगाई और टेम्परेचर भी चेक किया गया कि जिससे बुखार वगैरह जो बीमारी से है वो मतलब बिल्कुल सही है। जय गौ माता, जय गौ माता। और गौ माताओं के डॉक्टर साहब वैक्सीन लगा रहे हैं। अभी आज श्री कृष्ण गौशाला लोहा में 100 वैक्सीन लगेगी, फिर 10 दिन बाद आगे और गायों के लगेगी। अभी आज वैक्सीन लगा रहे हैं। सभी गौ माताएं की वैक्सीन लग रहा है, सभी डॉक्टरों की टीम पधारी हुई है श्री कृष्ण गौशाला लोहा में, गौ माताओं की वैक्सीन लगा रहे हैं। ओए सोरो लाजो लाजो बने ओके अरे आगे दे दो क्या बात है।